अब तो महाराष्ट्र की सियासत में जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। शिवसेना में दो फाड़ हो गई थी, शिवसेना लगातार चर्चा में बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के लिए उद्धव ठाकरे लगातार चुनौती पेश कर रहे हैं। दशहरा रैली उन्होंने शिवाजी पार्क में करके एक बड़ी जीत हासिल की, ये भी कहा जा रहा है। और जो भीड़ लगी शिवाजी पार्क में, उससे ये भी तय हो गया कि अब भी उद्धव ठाकरे के पीछे शिव सैनिक बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। इसे एक बड़े झटके के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन सबकी निगाह इस बात पर है कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा। लेकिन एक निर्णय जो चुनाव आयोग ने हाल में लिया है, उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि कहीं ना कहीं दोनों ही गुटों को जब चुनाव आयोग ये सिंबल नहीं दे रहा, निशान नहीं दे रहा उपचुनाव के लिए, तो ऐसे में आगे भी क्या ऐसी ही परिस्थितियां बन सकती हैं। क्या शिंदे गुट, क्या उद्धव ठाकरे गुट, दोनों को ही पार्टी का नाम और सिंबल ना मिले तो स्थितियां क्या बन सकती है, और इसको लेकर तमाम सियासी घमासान इस वक्त चल रहे हैं। सभी के जहन में यही सवाल है कि यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। क्या शिंदे गुट एक नए नाम के साथ जाएगा, उद्धव ठाकरे को भी शिवसेना का नया नाम और नया सिंबल लेना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान को लेकर चल रहे विवाद में चुनाव आयोग ने दोनों गुटों को फिलहाल तो बड़ा झटका दे दिया है। 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व में उपचुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव में उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह का उपयोग करने पर पाबंदी लगा दी है। जिसके बाद ये सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या अब उद्धव और एकनाथ शिंदे गुट बिना नाम और चिन्ह के चुनाव लड़ेंगे। अब किस चुनाव चिन्ह पर उपचुनाव लड़ेंगे उद्धव और शिंदे गुट, ऐसे में पार्टियों के पास क्या विकल्प है, पार्टियों को कैसे मिलता है चुनाव चिन्ह, क्या शिवसेना के पास इससे पहले भी अलग अलग चुनाव चिन्ह रह चुके हैं। धनुष बाण अभी लोकप्रिय है, लेकिन इससे पहले कुछ और चुनाव चिन्ह थे। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको देंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि पार्टियों को चुनाव चिन्ह मिलता कैसे है। भारत का चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों को मान्यता देता है और चुनाव चिन्ह भी आवंटित करता है। चुनाव आयोग को संविधान के आर्टिकल 324, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स 1961 के माध्यम से शक्ति प्रदान की गई है। इन शक्तियों का इस्तेमाल करके चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 जारी किया था। देश के अंदर राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह इसी के तहत आवंटित किया जाता है। चुनाव आयोग के पास चुनाव चिन्हों की दो तरह की सूची होती है। बीते सालों में आवंटित हो चुके निशानों की आयोग के पास एक सूची होती है। दूसरी सूची ऐसे निशानों की होती है जिसे किसी को भी आवंटित नहीं किया गया है। किसी भी समय चुनाव आयोग के पास कम से कम ऐसे 100 निशान होते हैं जो अब तक किसी को आवंटित नहीं किए गए हैं। निशानों का चुनाव इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है कि वो आसानी से मतदाताओं को याद रहें और आसानी से वो उनको पहचान पाए। अब बात कर लेते हैं चुनाव चिन्ह धनुष बाण के फ्रीज होने के बाद शिंदे और उद्धव के पास क्या विकल्प हैं इस बात की। इससे पहले भी शिवसेना अलग अलग चुनाव चिन्ह पर कई चुनाव लड़ चुकी है, वो भी जान लीजिए। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दोबारा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को फ्रीज करने के बाद अब उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास विकल्प के तौर पर नया नाम और चिन्ह चुनने का एक विकल्प रखा है। हालांकि 5 दशक से ज्यादा पुरानी शिवसेना का चुनावी इतिहास देखें तो पार्टी कई बार अलग अलग चुनाव चिन्हों पर चुनावी मैदान में उतर चुकी है पहले भी। जून 1966 में दिवंगत बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। तब से अब तक पार्टी के चुनावी सफर में कई चिन्ह नजर आए हैं। इनमें रेल इंजन, पेड़ और ढाल तलवार भी शामिल है। साल 1989 में 4 सांसदों के लोकसभा पहुंचने के बाद पार्टी को मौजूदा धनुष बाण का चिन्ह मिला था। तो ये 89 जो है, और उसके बाद अभी हाल की राजनीति देखें, जितने भी युवा और ज़्यादातर आपको वोटर्स दिखाई देते हैं वो धनुष बाण से ही शिवसेना को जानते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से पार्टी का चुनाव चिन्ह रहा है। पार्टी को नाम बाल ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे प्रबोधंकर जी ने दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1966 से अस्तित्व में आई शिवसेना ने जब 1968 में मुंबई नगर निगम का चुनाव लड़ा तो पार्टी का चिन्ह ढाल और तलवार था। वहीं 1980 के समय में पार्टी का रेल इंजन चिन्ह चर्चा में रहा। साल 1978 का चुनाव पार्टी ने रेल इंजन के निशान पर लड़ा था। खबर यह भी रही कि साल 1985 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार टॉर्च, बैट बॉल जैसे चिन्ह लेकर भी मैदान में उतरे थे। खास बात है कि चुनाव आयोग की तरफ से यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब पार्टियां अंधेरी पूर्व में उपचुनाव के लिए तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में आयोग की तरफ से पार्टी के नाम और चिन्ह को फ्रीज करने से नई चुनौती खड़ी होती दिख रही है। फिलहाल पार्टी को दूसरे चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। दोनों गुट आयोग की तरफ से दिए गए चिन्हों में से पसंदीदा चुन सकते हैं। जिस शिवसेना की शुरुआत 56 साल पहले यानी 1966 में जून के महीने में हुई थी, उसी शिवसेना को जून 2022 में फूट का सामना करना पड़ा था। पार्टी के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में करीब 50 विधायकों ने उद्धव को अलविदा कह दिया था।
इसके बाद राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। बाद में शिंदे कैंप ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसमें शिंदे सीएम बन गए। उद्धव ठाकरे इस बात को जानते थे कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग दस्तावेजी तौर पर मजबूत दिख रहे एकनाथ शिंदे के साथ जा सकता है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में कहा गया था कि चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर चुनाव आयोग कोई फैसला ले, इस पर पाबंदी लगाई जाए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसे उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा था। अब दशहरा रैली में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जबरदस्त भीड़ को इकट्ठा किया, खचाखच भरा शिवाजी मैदान दिखा, तो सभी को इस बात का अंदाजा हो गया कि शिवसेना में अब भी कई शिवसैनिक और कार्यकर्ता उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हुए हैं। निश्चित तौर पर बगावत के बाद सहानुभूति की एक लहर भी उद्धव ठाकरे के साथ देखने को मिल रही है। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट खेमे में एक खलबली देखी जा सकती है। निश्चित तौर पर सांसदों की संख्या, विधायकों की संख्या, पार्षदों की संख्या और प्रदेश के कई जगहों के प्रभारियों को साथ में लाने के बाद दस्तावेजी तौर पर एकनाथ शिंदे मजबूत हो गए हैं। वो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं और ऐसा माना भी जा रहा है कि यही डर था जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। बड़ा सवाल ये है कि अब चुनाव आयोग के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। वो जानते हैं कि एक तरफ शिवसेना वो है जिसे बाला साहब ठाकरे ने खड़ा किया था, उद्धव ठाकरे को सौंपा था, शिव सैनिक भी बड़ी तादाद में उनके पीछे खड़े हैं, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना नहीं है, इस बात को खारिज नहीं किया जा सकता है। लेकिन विधायकों का समर्थन हो, प्रदेश के अलग अलग प्रांत प्रभारियों का समर्थन हो, ये सारी चीज़ें एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई देती हैं, तो उनकी ताकत को भी कम नहीं आंका जा सकता। एक बड़ा विकल्प है, हमने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स में आपको दिखाया है कि इन दोनों को ही पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम ना दिया जाए, झगड़ा ही खत्म कर दिया जाए। एक पार्टी को आप दे देंगे तो दूसरी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसको नए चिन्ह के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन जो मूल पार्टी रही है वो किसी और के साथ जाएगी, तो निश्चित तौर पर उसके साथ जो लोगों का जुड़ाव है वो भी वहां पर देखने को मिलेगा। एक बड़ा फायदा इस नाम और पार्टी चुनाव चिन्ह का मिल सकता है। फिलहाल तो उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा निर्णय लिया है कि दोनों में से किसी को भी चुनाव चिन्ह या पार्टी का नाम नहीं दिया जाएगा, दोनों अपने अलग चुनाव चिन्ह और अलग नामों से लड़ें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या बड़े परिपेक्ष में, यानी आने वाले दिनों में जो पार्टी असली शिवसेना को लेकर फैसला होना है, उस पर भी यही नियम लागू होगा, ये देखने वाली बात होगी। सभी लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।